कविता पांच, दिकरी। अशोक चावड़ा, बेदिल। साहित्य प्रकार गजल। उपनिषदमां कहवायुं छे, यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवताः, यत्रे तास्तु न पूज्यन्ते सर्वास्त्रफलाः क्रियाः। एटले के ज्यां नारीनी पूजा थाय छे त्यां देवताओनो वास होय छे, ज्यां नारीनी पूजा नथी थती त्यां सगळी क्रियाओ निष्फळ जाय छे। मां, बहन, पत्नी, दीकरी वगैरे नारीना रूप छे। दरेक रूपे नारी पुरुष प्रत्ये लागणीशील रही छे, पण एक रूप एवू छे जेमां ते पोतानुं अखूट वहाल वरसावे छे, एटली ज तेने वहालनो दरियो कहेवाय छे। जेम एक माता पोताना दरेक संतान प्रत्ये समान प्रेम वहावे छे, तेम दीकरी घरना तमाम सभ्यो तरफ समान प्रेम वहावे छे। चालो मित्रों, दीकरीना गौरव भर्या स्थान अने माननी संवेदनानु आलेखन करती एक कविता जोईए। कविताना कवि अशोक चावड़ा छे। तेमनु तखल्लुस एटले के उपनाम बेदिल छे। तेमनो जन्म 23/8/1978 ना रोज थयो हतो। हाल तेओ गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी मां मददनीश रजिस्ट्रार तरीके पोतानी सेवा आपी रह्या छे। पगला तळाव मां, पगरव तळाव मां गजल संग्रह अने डाळखी थी साव छूटा प्रतिबद्ध कवितानो संग्रह छे। प्रस्तुत कवितानो साहित्य प्रकार गजल छे।
दे जे शिरे हूँ हाथ फेरव तो हवे ए हाथ दे विस्तरे छे एम समझण ना फलक मा दीकरी फगनी एक देवी नी झलक मा दीकरी स्वर्गनी एक एक देवीनी झलक मा दीकरी छे सुखड़ चंदन ने कुमकुमना तिलक मा दीकरी स्वर्ग मा रहेली तमाम देवियोनी झलक तेजस्विता प्रकाश कवि ने दीकरी मा देखाय छे। आम कवि दीकरी ने गौरव भर्यु स्थान अने मान आपे छे। ज्या देवी देवताओनो वास होय त्या सुख शांति अने समृद्धि होय छे तेवू आपणे हमेशाथी मानता आव्या छीए। अने ज्यारे सौ देवीओ लक्ष्मी सरस्वती पार्वती वगैरेनी शोभा ने तेज दीकरीमां ज होय त्यारे जे घरमां दीकरी ए घर स्वर्ग। जेम सुखड़ चंदन अने कुमकुमनु तिलक करवाथी सुगंध अने शीतलता बन्ने अनुभवाय छे एम दीकरीनी हाजरी परिवारनी मीठी सुगंध अने शीतलता बन्ने आपे छे। झलक एटले तेजनु प्रतिबिंब सुखड़ चंदन एटले चंदनना झाड़नु सुगंधी लाकड़ू अने कुमकुम एटले कंकु। स्नेहनु झरणु फूटे एनुज आ परिणाम छे। कोतरे छे कोई वर्षोथी खड़क मां दीकरी जेम भगीरथ ऋषिना लीधे गंगा नदी स्वर्गमांथी धरती पर आवी अने लोकोने जीवन मळ्यु ए रीते માણસમાં સ્નેહનું ઝરણું ફૂટવાનું કારણ દીકરી છે। દીકરી સ્નેહના ઝરણાનું પ્રતીક છે। કોઈ મર્દ મુછાળા બાપને ઘેર દીકરીનો જન્મ થયા પછી તેનામાં રહેલા ખુમારી ને ગર્વની સાથે પ્રેમની સરવાણીનો પણ સુભગ સમન્વય સધાય છે। એક ખડક જેવી છાતીમાંથી સ્નેહના ઝરણાનો માર્ગ કોતરવાનું કાર્ય દીકરી કરે છે। આમ વ્યક્તિના જીવનમાં અમૂલ પરિવર્તન લાવનાર દીકરીમાં કોઈ દેવીની ઝલક અનુભવાતી નથી પણ સાક્ષાત દેવીઓના દર્શન થાય છે। લાજ મર્યાદા શરમ ગૌરી વ્રતોની હારમાં ઉછરે છે રોજ કાયમથી ફડકમાં દીકરી। દીકરી વહાલનો દરિયો એવી પંક્તિ જે સમાજમાં હાલ પ્રચલિત છે એ જ સમાજે માત્ર દીકરી માટે જ મર્યાદામાં રહેવું, તારે આમ કરવું આમ ન કરવું, આમ કરવાથી આમ થાય તેમ થાય ને નાનપણથી સારા ઘર અને વરની પ્રાપ્તિ માટે ઉપવાસ કરવા
व्रत करवा वगैरे सूचनाओ आपी कायमथी एने बीकमा राखी छे। घणा समाज एवा पण छे जे समाजे दीकरीने पोतानी रीते जीववाना हक आप्या नथी अने डरमां जीवता शीखव्यू छे, तेवा समाज सामे पण कवि इशारो करे छे। फड़क एटले बीक अथवा डर। जे शिरे हूँ हाथ फेरवतो हवे ए हाथ दे, विस्तरे छे एम समझणना फलक मां दीकरी। गजलना आ शेरमां कविए दीकरीने दीकरानी समकक्ष गणी छे। मोटे भागे लोको एम मानता होय छे कि दीकरो मोटो थईने कुटुंबनुं भरण पोषण करे अथवा ए करवामां पिताने सहाय करे, परंतु अहीं कवि कहे छे दीकरी ज्यारे नानी हती त्यारे वहालथी एना शिरे हूँ हाथ फेरवतो हतो, आशीष आपतो हतो, ए एक दिवस हतो। अत्यारे समय बदलाई गयो छे अने ए दीकरी अत्यारे मने साथ सहकार आपी रही छे, मने सहारो आपी रही छे। आम दीकरीनी समझण आकाश सुधी विस्तार पामी रही छे। शिर एटले मस्तक, माथे हाथ फेरववो एटले आशीर्वाद आपवा। ज्यारे हाथ देवो रूढ़ी प्रयोगनो अर्थ सहारो आपवो अथवा हूँफ आपवी थाय, अने फलक शब्दनो अर्थ आकाश थाय। सूर शरणाई सगा संबंधीओनी भीड़मां रोज भीनी थाय छे, भीनी पलकमां दीकरी। कोई लग्न प्रसंगमां कवि ज्यारे शरणाईना सूर सांभळे छे त्यारे अथवा सगा संबंधीओ मळे छे त्यारे एमनी दीकरी याद आवी जाय छे। सहारो अने हूँफ आपती दीकरी याद आवता कविनी आँखो भीनी थाय छे अने ए भीनी पलकमां दीकरी ज प्रत्यक्ष देखाय छे।